नमस्कार, मैं रविश कुमार। न्यूज चैनल देखने से लगता है कि सारा देश कश्मीर, आबादी और आरक्षण को लेकर व्यस्त हो गया है। हो सकता है कि सारा देश व्यस्त भी हो, लेकिन 1.5 लाख बैंकर इन विषयों को लेकर व्यस्त नहीं है, बल्कि इस शनिवार और रविवार तो उन्हें टीवी देखने का भी मौका नहीं मिला होगा कि कश्मीर पर नया बयान क्या आया है। उन्हें यह भी पता नहीं होगा कि चर्चा में दूसरे एंगल से प्रवेश पाने के लिए शिवराज सिंह चौहान और साध्वी प्रज्ञा ने जवाहरलाल नेहरू को अपराधी कहा है। नेहरू को कुछ भी बोलकर आप चैनलों के स्क्रीन पर टिकर से लेकर टिक टैक तक पे जगह पा सकते हैं। चूंकि नेता लोग नेहरू को अपराधी बताने में व्यस्त हैं, उन्हें काफी काम है, इसलिए 1.5 लाख बैंकरों से कहा गया है कि कम से कम आप लोग अर्थव्यवस्था को लेकर कुछ व्यस्त रहें और आइडिया दें कि भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन का कैसे किया जा सकता है। अगले चुनाव में इनसे यह भी लिखवाया जा सकता है कि वे 500 शब्दों में निबंध लिखें। यदि मैं प्रधानमंत्री होता और जिसका श्रेष्ठ निबंध हो उसकी उम्मीदवारी पर कम से कम चर्चा हो जाए, पर ब्रांच मैनेजर आइडिया दे रहे हैं कि 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था कैसे बनेगी। अब इसे लेकर कुछ गैर जरूरी सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए, ये नेगेटिव हो जाता है। जैसे रिजर्व बैंक, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार वगैरह वगैरह क्या कर रहे हैं, क्या उनके पास अब आइडिया नहीं है। शनिवार और रविवार की छुट्टी के दिन अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना बहुत बड़ी बात है। वैसे बैंकर शुक्रवार से ही सोचने लगे थे, नोटबंदी के बाद उनके योगदान को तो किसी ने याद नहीं रखा। उम्मीद है इस योगदान को अब की बार याद रखा जाएगा। 1.5 लाख बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है कि इन बैंकरों को शनिवार और रविवार को इस बात के लिए बिठाया गया कि आप विचार विमर्श करें कि 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था का आकार $5 ट्रिलियन कैसे होगा। बैंकों की अपनी हालत बहुत खराब है, अपनी संपत्तियां बेच रहे हैं, मैनेजरों को काफी तनाव में काम करना पड़ रहा है, छुट्टियां नहीं मिलती, इसी पर वे मिलकर आइडिया उत्पादन करते और खुद राहत पहुंचाते, लेकिन वो नहीं हुआ तो क्या हुआ। देश के लेवल पर यह चिंतन समारोह बेकार नहीं गया। कई बैंकरों ने वाकई कुछ आइडिया दिया जो पहले से भी सभी को पता है कि किस तरह बैंकों से कर्ज राशि धारा प्रवाह प्रवाहित होती रहे, मध्यम श्रेणी की कंपनियों का पंजीकरण हो, उन्हें लोन देना चाहिए ज्यादा, जिन किसानों का लोन चुकाने में रिकॉर्ड अच्छा है उन्हें बेटी की शादी या घर खरीदने के लिए लोन देना चाहिए, ब्रांच लेवल पर मैनेजर को अच्छा माहौल दिया जाए, ट्रांसफर की पारदर्शी नीति और बड़े लोन वालों की जवाबदेही तय हो और दबाव में लोन ना दिलवाए जाए। वित्त मंत्रालय यह सब अभ्यास करा रहा है, अभी यह महीना भर चलेगा। उम्मीद है इनसे आइडिया प्राप्त करने के बाद भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की ओर प्रस्थान कर चलेगा। बैंकर यह भी सोचते रह गए कि 2017 से जो सैलरी नहीं बढ़ी है उसका क्या होगा, लेकिन अभी उनका टारगेट देश के लेवल पर हो गया है। भारत की अर्थव्यवस्था मंदी से गुजर रही है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार बड़ी अर्थव्यवस्था के मामले में भारत की रैंकिंग 7वें नंबर पर आ गई है। भारत की GDP का आकार इस वक्त $2.7 ट्रिलियन है और इसे 2024 तक $5 ट्रिलियन का लक्ष्य है करने का। आप अगस्त महीने के बिजनेस अखबारों की खबरों को देखिए, हम कुछ खबरों का सैंपल दिखाना चाहते हैं। ये 18 और 19 तारीख के हैं कि अगली तिमाही में ऑटो इंडस्ट्री से 5 लाख लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। 400 करोड़ से कम टर्नओवर वाली कंपनियों की हालत बहुत खराब है। सेल्समैन, पेंटिंग, वेल्डिंग, कास्टिंग टाइप की नौकरियां जल्दी जाएंगी। पहले ही 2 से 3 लाख नौकरियां इस सेक्टर में जा चुकी हैं और हर बड़ी कंपनी में कम से कम 10% की छटनी हो रही है। ये 19 अगस्त की खबर है। केयर रेटिंग का कहना है कि यह भी एक दूसरे अखबार की रिपोर्ट है कि भारत में आर्थिक सुस्ती के कारण नई नौकरियां भी धीमी पड़ने वाली है, उनकी भर्तियां कम होंगी। ब्लूमबर्ग के अनिर्बन नाग की रिपोर्ट है, बैंक, बीमा, ऑटो और लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की कंपनियां बहाली कम करेंगी। केयर रेटिंग का यह अध्ययन 1000 कंपनियों के सर्वे पर आधारित है। यह 19 अगस्त की रिपोर्ट है। महिंद्रा के प्रबंध निदेशक की आशंका, बहुत से कार डीलर कंगाल हो सकते हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के प्रीतिश राज की रिपोर्ट है ये। महिंद्रा एंड महिंद्रा के MD जो है पवन गोयनका, उनका कहना है कि अगर त्योहारों में ऑटो सेक्टर में बदलाव नहीं आया तो डीलर और सप्लायर दिवालिया होने लगेंगे। 12 महीने से ऑटो सेक्टर में मंदी चल रही है। एक साल में 300 डीलर ने अपनी दुकानें बंद कर दी हैं। 2 लाख लोगों की नौकरी गई है। ये भी 19 अगस्त की रिपोर्ट है। रोड डेवलपर्स भी आर्थिक मंदी से परेशान, पैसे की कमी का संकट। मिंट की वत्सला कामत की रिपोर्ट है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों का प्रदर्शन
जून में खत्म हुई पहली तिमाही में निराशाजनक रहा है। इनके शेयरों के दाम भी अप्रैल के बाद से 25% कम हो चुके हैं, मुनाफा भी घटने लगा है, ब्याज इनका बढ़ने लगा है, टोल पर कलेक्शन कम होने लगा है, सोचिए, जिससे इनकी चिंता बढ़ गई है। वत्सला ने लिखा है कि अशोका बिल्डकॉन के ज्यादातर प्रोजेक्ट में ट्रैफिक कम हो गया है, यानी लोग कम चल रहे हैं और टोल कम दे रहे हैं। इस रिपोर्ट में है कि प्रोजेक्ट की मंजूरी के बाद भी काम शुरू नहीं हो पा रहा है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI की देनदारी यानी कर्जों का जो बोझ है वो 5 साल में इस वक्त सबसे अधिक है। यह भी 19 अगस्त की रिपोर्ट है। L&T चेयरमैन का बयान, मेक इन इंडिया से नौकरियां पैदा नहीं हो पा रही हैं। लाइव मिंट की तानिया थॉमस और देवोश्री चाकी की यह रिपोर्ट है। L&T चेयरमैन AM नायक का बयान है कि भारत में हर साल 10 लाख नौजवान नौकरियों के मार्केट में प्रवेश करते हैं। सरकार की मेक इन इंडिया पर्याप्त नौकरियां पैदा करने में असफल है, क्योंकि ज्यादातर सेक्टरों में कंपनियों ने आयात करना शुरू कर दिया है, स्थानीय स्तर पर निर्माण नहीं कर रही हैं। हम नौकरियों का निर्यात कर रहे हैं, दूसरे देशों में पैदा कर रहे हैं और चीजों का निर्यात नहीं कर रहे हैं। हमें इसका जवाब खोजना होगा कि क्यों भारतीय कंपनियां ऐसा कर रही हैं। भारतीय कंपनियों के पास पैसे की भारी कमी हो गई है, उनके पास ऋण के विकल्प बहुत कम हो गए हैं। इसी रिपोर्ट में यह आंकड़ा है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर के तहत करीब 40 लाख लोगों को अलग अलग काम में ट्रेनिंग दी गई, लेकिन मात्र 12% को ही काम मिला, यानी 40 लाख में से मात्र 5 लाख को भी काम नहीं मिला। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह सरकार का दावा है। यह भी 19 अगस्त की रिपोर्ट है। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने मंदी का सामना करने के लिए नए निवेश पर रोक लगाई है। लाइव मिंट में अमित पांडे की खबर है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा अपने निवेश में 15-20% की कटौती करने जा रहा है, सोचिए। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर का कहना है कि कुछ अस्थायी नौकरियां जा सकती हैं और नौकरियों का जाना बहुत चिंताजनक है। ऑटोमेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की महानिदेशक हैं विनी मेहता, उनका बयान है कि 10 लाख नौकरियां जा सकती हैं अगर यही ट्रेंड रहा तो। विनी मेहता का ये कहना है, नई नौकरियां बंद सी होने लगी हैं, सबसे ज्यादा मार ठेके पर काम करने वाले लोगों पर पड़ी है, उन्हें कब निकाल दिया जाता है पता नहीं चलता और उनकी आवाज आपको टीवी में सुनाई नहीं देती, ट्विटर में दिखाई नहीं देती है। टेक्सटाइल सेक्टर की भी हालत खराब है। 2016 में जब 6000 करोड़ के पैकेज का ऐलान हुआ था तब दावा किया गया था कि 3 साल में यानी 2019 तक 1 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी। हुई क्या? कोई मंत्री इस पर बात करता है क्या? आपने टीवी पर सुना है? नहीं सुना है। बांग्लादेश और श्रीलंका इस सेक्टर में आगे निकलते जा रहे हैं भारत से। यह सेक्टर भी सरकार की तरफ देख रहा है। भारत से कॉटन यार्न का निर्यात अप्रैल से जून 2019 के बीच 33% कम हो गया है। अगर संकट जारी रहा तो इस सेक्टर से भी नौकरियां जाने लगेंगी। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि आर्थिक सुस्ती काफी चिंताजनक है, सरकार को जल्दी ही पावर और गैर बैंकिंग वित्तीय सेक्टर को ठीक करना होगा और निवेश के लिए नए सुधार करने होंगे। हिंदू बिजनेस लाइन की रिसर्च टीम के अनुसार 2019 में भारत का शेयर बाजार का प्रदर्शन दुनिया में सबसे खराब रहा है। इस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में कॉरपोरेट के मुनाफे में भी गिरावट देखी गई है, बिक्रियां बहुत कम हो गई हैं। ऑटो सेक्टर में 3 लाख लोगों की नौकरी गई है, आने वाले दिनों में लोग 10 लाख तक बता रहे हैं। अब टेक्सटाइल सेक्टर का सुनिए, भारत भर में 25 लाख लोगों की नौकरी जाने की खबर आ रही है। यह जानकारी फरीदाबाद टेक्सटाइल एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल जैन ने सुशील महापात्रा को फोन पर दी। अनिल जैन ने बताया कि पानीपत, फरीदाबाद, गाजियाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर में ही 1 लाख से अधिक लोगों की नौकरी चली गई है। दिल्ली के आसपास 20 लाख लोग टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़े हैं। अनिल जैन ने बताया कि टेक्सटाइल सेक्टर में 30-35% की बिक्री घट गई है। वो पूरे भारत भर का आंकड़ा बता रहे थे। GST के कारण पहले से ही मंदी थी, लेकिन अब मांग घट जाने के कारण मंदी और गहरी हो गई है। बांग्लादेश से आने वाला कपड़ा सस्ता पड़ रहा है, इसलिए यहां के कपड़े की पूछ नहीं है। उत्पादन लागत अधिक होने के कारण भारत का निर्यात घट रहा है। 10 करोड़ लोग टेक्सटाइल में सीधे और परोक्ष रूप से जुड़े हैं। खेती के बाद सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में जुड़े हैं। अनिल जैन ने यह भी बताया कि पहले धागा बनाने की फैक्ट्रियां नहीं बंद होती थी, मगर अब हफ्ते में 1 या 2 दिनों के लिए बंद होने लगी हैं। हमारे सहयोगी सुशील महापात्रा फरीदाबाद और पलवल की 2-3 टेक्सटाइल फैक्ट्री में गए, 1 बंद हो गई है और 2 में मंदी का असर दिखा। सुशील जहां भी गए सभी ने कहा कि जब से उन्हें PNG यानी नेचुरल गैस खरीदने के लिए मजबूर किया गया है, उत्पादन लागत काफी बढ़ गई है और वो मार्केट से आउट होते जा रहे हैं, जिसके कारण निर्यात घट रहे हैं और घरेलू बाजार के लिए भी उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं।
मंदी की हालत ऐसी है कि 2018 में यह फैक्ट्री बनी थी, अब इसके संस्थापक को लगता है कहीं बंद करने की नौबत ना आ जाए। यह फैक्ट्री दिल्ली से सटे पलवल के धतीर में है। यहां पर ऐसी कई फैक्ट्रियां हैं जो टेक्सटाइल से जुड़े अलग अलग काम करते हैं। पिछले 6-7 महीने से ऑर्डर कम होने लगे हैं। यहां पर सादे रंग के कपड़ों पर अलग अलग रंगों की छपाई हो रही है, फिर उसे निर्यात के लिए भेजा जाता है। कमाई घटने से सैलरी देना मुश्किल हो गया है। यहां पर 200 से 300 वर्कर काम करते हैं। अब आइए दूसरी फैक्ट्री में ले चलते हैं। इस फैक्ट्री में जींस की धुलाई और रंगाई होती है। कुछ महीने पहले 10 से 12 हजार जींस की धुलाई होती थी रोज, लेकिन मार्च के बाद से गिरावट आने लगी है। अब यहां 5,000 से 5-7 हजार जींस की धुलाई हो रही है। यहां पर 200 से 250 मजदूर काम करते थे। ऑर्डर में कमी होने के कारण 20% तक मजदूर कम कर दिए गए। 250 मजदूरों की जगह अब 100-150 ही रह गए हैं। तो इसमें और क्या समस्या है? एक तो आपने गैस की बात कही, कोयले के जगह पर सरकार गैस ला रही है, और क्या इम्पैक्ट हुआ है जिसकी वजह से आप लोग की नुकसान हो रही है? मेन ये है, दूसरा एक्सपोर्ट मार्केट स्टेग्नेंट हो जाना। पहले यहाँ से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था, लेकिन अब एक्सपोर्ट हाउसेस भी उस लायक नहीं रहे, बंद हो गए, बंद हो रहे हैं, कम पड़ रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े एक्सपोर्ट हाउसेस की भी संख्या घटती जा रही है। रॉ मटेरियल में प्राइसिंग, गवर्नमेंट की हर जगह की पॉलिसीज अलग अलग। अभी जैसे कोयले बैन की बात हो रही है, कोयले का प्राइस 9 रुपये है, उसकी जगह अब हमें सीधा 36 रुपये पे जाके करना पड़ेगा गैस पे। अच्छा, और कुछ कंपनियां हैं जिन्हें गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से ही कोयले पे चलाने को भी अनुमति मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे गैस की पाइपलाइन नहीं होने का हवाला देते। अब जो चीज़ें हमें 9 रुपये पड़ती थी, वो अब हमें सीधा 36 रुपये पड़ जाएगी। हम मार्केट में कैसे कंपटीशन कर पाएंगे? पाइपलाइन की बात की गई, गैस की पाइपलाइन मतलब क्या हुआ? ये कानून सिर्फ दिल्ली NCR के लिए बनाया गया। अच्छा, अब दिल्ली NCR की इंडस्ट्री दिल्ली NCR के बाहर वाली इंडस्ट्री से कैसे कम्पटीट करेगी? अच्छा, कौन सी पाइप की बात कर रहे हैं? गैस वाली? गैस की। अच्छा, तो आप कह रहे हैं जो NCR के बाहर है वो कोयला इस्तेमाल वो कोल पे इस्तेमाल करके चल रहा है। जैसे पहले पेटकोक बैन किया गया, लेकिन पंजाब में अभी भी पेटकोक चालू है। गवर्नमेंट के जो रूल रेगुलेशन आ रहा कि आप PNG पर चलाओ, NCR की सारी इंडस्ट्रीज PNG पे जाएगी, कोयला नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे भी एक्सेप्शन ये दिया जा रहा है कि जहाँ पे गैस पाइपलाइन नहीं मौजूद है वहाँ पे लोग कोल चला सकते हैं। नहीं, हमें गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट ये है कि PNG में हम चला सकते हैं कि हमको सब्सिडी अच्छे मिले। दूसरा बात, JLD के लिए हमें 0 डिस्चार्ज करेंगे, पानी हम रिसाइकल करेंगे, हमारे लिए उस तरह का एक प्लांट बैठा कर दें कि हम उसे पानी जो भी उनको दें वो हमें दें, उसके चार्जेबल हो, हम उस चार्ज को पे करें और हमारा फैक्ट्री जो है अपना यहाँ पर हमारे यहाँ पे अदानी की लाइन अवेलेबल है। यहाँ से 6 किलोमीटर दूर पे PNG की लाइन अवेलेबल नहीं है, वहाँ पे भी इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री चल सकती है। हमारे लिए कानून रोक देगा क्योंकि हमें जाना पड़ेगा। अब वो 9 रुपये में मैन्युफैक्चर करेगा, मैं 36 रुपये में करूँगा, मैं 6 किलोमीटर में ये वेरिएशन क्यों, ये विभिन्नता क्यों? इमीडिएट उसने PNG का जो टारगेट अभी लिया है, बहुत पहले से उनको अनाउंस करना चाहिए था। इमीडिएट हम उसको नहीं कर सकते, उसको काफ़ी कॉस्टली भी है। तो उसके जो हमारा जो स्टीम बनता है, तो जो बॉलर से हम जो स्टीम लेते हैं उसके लिए इमीडिएट वो उन्होंने अनाउंस किया कि मतलब अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम आपकी फैक्ट्री को सील कर देंगे। तो एक वो एक टाइम देना चाहिए था, टाइम देने के बाद में उसको आगे हम लोग प्रोसेस में लाते। PNG जैसे अपना CNG गैस होती है, वो उसका प्रोडक्ट है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, अदानी वाले का प्रोडक्ट है जो फ्लेम पैदा करेगा, फ्लेम से हम स्टीम लेते हैं। तो क्या है, वो कॉस्टली भी पड़ेगी, कॉस्टली पड़ेगी। हमारा गारमेंट का वैल्यू वही है, सब कुछ वही है, लेबर वेजेस बढ़ रहा है, लेकिन बिजनेस में लॉस हो रहा है। तो जो जैसे आप कह रहे हैं, पहले कितना जीन वॉशिंग के लिए रोज आया करता था यहाँ पे? पहले 10 से 12 हजार पीस पर डे हमारा प्रोडक्शन का निकलता था। लेकिन आज की डेट में हम लोग बिल्कुल एकदम डाउन है, 5 से 6 हजार पीस भी नहीं कर पा रहे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल 50% हमारा बिजनेस डाउन हो गया। तो ये आपका है, आसपास में जितना सबका है? सभी का है, ऑल ओवर सभी इंडस्ट्रीज में जो भी कंबाइन है वो सभी का है इस टाइप का। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें एक चीज मुझे बताइए जी, तो इसकी वजह से कम होने की वजह से जॉब की छटनी भी हुई यहाँ पे? बिल्कुल बिल्कुल, इंडस्ट्रीज बंद भी हो रही है, इंडस्ट्रीज जॉबलेस हो गए हैं, लोग रोडों पे घूम रहे हैं आज की डेट में। और हम लोगों ने भी काफी लोगों को, मतलब पहले हमारा कैपेसिटी मतलब हमारे पास 300-250 आदमी होते थे। अच्छा, अभी हमारे 100-150 आदमी रह गए। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो हम क्या करें, हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे इस चीज़ के। कितने दिनों हुआ, 1-2 साल में 3 साल में? ये 7-8 महीने से ज्यादा हो गया। हाँ, बिल्कुल, ये जनवरी से ही प्रॉब्लम आ रहा है।
तो आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री दर इंडस्ट्री, अगर ऑटोमोबाइल जिसमें काफी नौकरियां मिलती हैं, मिलने की संभावनाएं होती हैं, सहायक रोजगार पैदा होते हैं, और टेक्सटाइल जिसमें कई तरह के काम लोगों को मिलते हैं, वहां इतनी बुरी हालत है। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के भी आपने तीन बड़े सेक्टर की हालत देख ली, लेकिन इस वक्त टीवी पर क्या चल रहा है? तरह तरह से उसी नेशनल सिलेबस के आसपास के मुद्दे लाए जा रहे हैं और आपको दिन भर उसमें उलझाया जा रहा है। हम इस तरह के चुनौतीपूर्ण आर्थिक हालत से गुजर रहे हैं, राष्ट्रीय बहसों में काल्पनिक सवालों को वास्तविक किया जा रहा है। जिन लाखों लोगों की नौकरी गई है, जिनकी जानी है, और जिन्हें नई नौकरी नहीं मिल रही है, उनके सवाल कहीं नहीं है। जो सरकारी परीक्षा देने वाले हैं तो वो तो भूल जाइए आप, उनका तो कुछ नहीं हो रहा है कहीं भी, शायद उनका ट्विटर पर अकाउंट नहीं है। इन जिन लोगों की, मजदूरों की नौकरी गई है या काम छिना है, सरकारी समाचार की तरफ अब आते हैं। सरकारी समाचारों में जम्मू कश्मीर में आज लैंडलाइन सेवा कई जगहों पर चालू हुई, और उम्मीद है कि लोगों का आपसी संपर्क होने लगा होगा। वैसे भी मोबाइल फोन के जमाने में लैंडलाइन कहां सबके पास अब रहा होगा, फिर भी कुछ काम चल सकता होगा। सरकारी दफ्तरों के फोन चालू हो गए होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ने पीटीआई के हवाले से लिखा है कि 17 टेलीफोन एक्सचेंज चालू कर दिए गए हैं, जबकि वहां 100 से अधिक हैं। इससे 50,000 लैंडलाइन ऑपरेशनल हुए हैं। मोबाइल फोन बंद है, अब कहा जा रहा है कि 50% से लेकर ढाई दो तिहाई तक मोबाइल लैंडलाइन ऑपरेशनल किए गए हैं। वैसे मोबाइल फोन बंद है, जो आप सबके पास होता है संपर्क का जरिया। 1 करोड़ से अधिक की आबादी में आप 50,000 1 लाख लैंडलाइन ऑपरेशनल कर दें, उसमें से भी ज्यादातर सरकारी हो, तो फिर आम लोगों की अभी भी दिक्कतें दूर नहीं होंगी। डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने बताया कि कुछ इलाकों में पत्थरबाजी की घटना देखी गई 19 अगस्त को, मगर नियंत्रण पा लिया गया और स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। घाटी में कानून व्यवस्था की कोई बड़ी घटना नहीं हुई। जम्मू कश्मीर के जनसंपर्क विभाग की निदेशक सैयद शहरिश असगर ने कहा कि आज घाटी में कानून और व्यवस्था को लेकर कोई बड़ी घटना नहीं हुई, जीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा है, लोग सहयोग कर रहे हैं। और 19 अगस्त को श्रीनगर में 190 स्कूल खोले गए। संकेत उपाध्याय ने मात्र 4 स्कूलों में जाकर देखा कि क्या हालात हैं। सुबह के 8:45 हो रहे हैं, आज सोमवार है, और प्रशासन का दावा यह था कि आज स्कूल खुलेंगे और प्राइमरी स्कूल तक के बच्चे वहां पर जाएंगे। हमने सोचा कि सबसे बढ़िया तरीका पता लगाने का है कि खुद जा करके ग्राउंड पर देखा जाए कि ऐसा हो रहा है या नहीं। तो अब हम यहाँ पर सोनवार में एक स्कूल में आए हैं। ये एक स्कूल है जिसमें हम देख सकते हैं खुद कि ये स्कूल आज बंद है। तो अब हम राजबाग इलाके में हैं और यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले ये एक स्कूल है वहां पर, इसमें हमने बात की, और यहाँ के जो लोग हैं उनका यह कहना है कि स्थानीय प्रशासन के कहने पर या उनके आदेश पर स्कूल खोला जरूर, लेकिन न टीचर आए न बच्चे आए। गुगजी बाग इलाके में है एक और बहुत ही जाना माना स्कूल है यहाँ का। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, सुरक्षा के दृष्टिकोण से हम स्कूलों के नाम नहीं दे रहे हैं। मैं दरवाजे पर नॉक करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जो माहौल हम देख रहे हैं, करीब 5 मिनट हम यहाँ रुके, देख के लगता नहीं है कि ये स्कूल खुला भी है, लेकिन वो तभी पता चलेगा जब हम किसी से बात कर लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कोई बात करने वाला भी नहीं आया है। हमारा आखिरी पड़ाव है लाल चौक। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे, वो लाल चौक की ऐतिहासिक मीनार है, यात्री निवास है। ये दृश्य जो है ये तो हमने हर जगह देखा ही है। अभी भी यहाँ पर लोगों की आवाजाही अलाउड नहीं है। बहुत ही पुराना ऐतिहासिक स्कूल भी है, कई कई वर्षों पुराना है। तो हमारे आखिरी पड़ाव में हम स्कूल में जानने की कोशिश करते हैं, बात करेंगे। अब से कुछ देर पहले हमने इनसे बात की थी तो इनका ये कहना था कि कुछ स्टाफ मेंबर जरूर आए हैं, क्योंकि प्रशासन ने कहा है स्कूल खुलना चाहिए या स्कूल खोले जा सकते हैं, तो कुछ स्टाफ मेंबर जरूर आए हैं। हालांकि बच्चे यहां पर नहीं आए हैं। हो सकता है कि पूरी घाटी में जो 190 स्कूल खोलने की बात की गई है प्रशासन में, हो सकता है कि और जगहों पर शायद स्कूल खुले हों और बच्चे आए हों। हमारा दावा बस इतना है कि जिन स्कूलों में हम गए वहां जो हमने हकीकत देखी उसको हम आज कैमरे पर बयान कर रहे हैं। श्रीनगर में आमिर भट्ट के साथ संकेत उपाध्याय, एनडीटीवी इंडिया। स्कूल शिक्षा के निदेशक हैं मोहम्मद यूनुस मलिक। इन्होंने श्रीनगर और घाटी के अन्य जिलों का ब्यौरा दिया है। जो संकेत कह रहे थे कि उन्होंने 4 स्कूल देखे हैं, बाकी का उन्हें पता नहीं, लेकिन मलिक साहब ने श्रीनगर और घाटी के अन्य जिलों का ब्यौरा दिया है, जिससे पता चलता है कि पहला दिन संतोषजनक नहीं रहा।
और उन्होंने बताया कि श्रीनगर में 500 स्कूल हैं, उम्मीद थी कि 190 स्कूल खोले जाएंगे मगर 72 में ही उपस्थिति दर्ज की गई और उनमें भी बहुत कम उपस्थिति रही, 30-35% स्टाफ की उपस्थिति रही। पुलवामा एक दूसरा इलाका है, वहाँ के कुछ क्षेत्रों में स्कूल में स्टाफ था, कुछ ही स्कूल खुले और कम संख्या में छात्र नजर आए। शोपियां में 10 से 12 स्कूल खोले गए जहां कोई बच्चा नहीं आया। दियतपुरा में स्कूल खुले लेकिन कोई बच्चा नहीं आया, सिर्फ स्टाफ आए। अनंतनाग में 1100 स्कूल हैं जिनमें से 89 स्कूलों के खोलने के आदेश दिए गए थे, इनमें से कुल 126 टीचर आए, 39 बच्चे आए। बारामूला में 671 स्कूलों में 322 स्कूलों के खुलने का आदेश दिया गया था जिनमें सिर्फ 40% स्टाफ आया और बच्चे आए मात्र 20%। कुपवाड़ा में 137 स्कूलों को खोला जाना था, इसमें 30-40% स्टाफ आए और करीब 1000 बच्चे आए। सहूलियत के हिसाब से कहीं संख्या दी गई है, कहीं प्रतिशत बताया गया है। पीटीआई के अनुसार श्रीनगर के बेमिना इलाके में पुलिस पब्लिक स्कूल और कुछ केंद्रीय विद्यालय खुले मगर छात्रों की उपस्थिति बहुत कम रही। कई जगहों पर शिक्षक तो आए लेकिन छात्र नहीं आए, जहां आए वहां भी संख्या कम रही। ये स्कूल कश्मीर के डायरेक्ट स्कूल एजुकेशन के दफ्तर से बिल्कुल साथ है लेकिन इस पे भी ताले चढ़े हैं। जो ऐलान हुआ था कि 190 के करीब स्कूल आज खोले जाएंगे, ऐसा नहीं हुआ। जब डायरेक्टर के दफ्तर के बाहर जो स्कूल है वो भी नहीं खुल सका, तो और स्कूलों का आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मैं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के दफ्तर गया, वहां भी कुछ ही मुलाजिम आ सके। दरअसल स्कूल जो हैं वो कुछ अलग माहौल में नहीं फंक्शन कर सकते हैं क्योंकि बच्चे जो हैं इसी समाज से आते हैं, टीचर भी इसी समाज से आते हैं, बस स्कूल बस ड्राइवर भी इसी समाज से आता है। और जब हालात इस तरह के दिगरगु, हालात इस तरह के मुश्किल हों, जब सब कुछ बंद पड़ा है, टेलीफोन फोन से लेके इंटरनेट तक की, जैसे आपको मैं बताऊं, मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजूं कैसे, क्योंकि मेरे स्कूल में दो चीजें का कम्युनिकेशन, या तो मुझे SMS भेजते हैं या वो मुझे ईमेल करते हैं, कल क्या पढ़ना है, कैसे भेजना, बस आ जाएगी या नहीं आ जाएगी। मोबाइल भी बंद है, इंटरनेट भी बंद है, तो स्कूल के साथ जो कम्युनिकेशन है बिल्कुल बंद पड़ा है। सरकार की कोशिश या ऐलान अपनी जगह, हकीकत भी अपनी ही जगह है कि यहां अभी हालात ठीक नहीं हुए हैं कि बच्चे स्कूल जाए। यहां अभी पेरेंट्स में जो है अभी वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो बच्चों को स्कूल भेजें। यही वजह है कि डायरेक्टर एजुकेशन के दफ्तर के सामने भी जो स्कूल है वो भी बंद पड़ा है। लोग चाहते हैं और मैं भी चाहता हूं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं, जल्द अज जल्द जाएं। उनकी तालीम से बढ़ के कोई मकसद नहीं हो सकता है, लेकिन सरकार का दायित्व ये भी है कि वो इस तरह का माहौल बने, लेकिन माहौल अभी तक ठीक नहीं है। डायरेक्टर एजुकेशन के ऑफिस में मैंने देखा शायद ही 2% इम्प्लॉयज आए होंगे। और आपको मैं दिखाऊं, ये जो लाइन यहाँ गाड़ियों की लगी है इसलिए लगी है कि लोग आए हैं कि अपने लैंडलाइन जो है उनको वो यहाँ रेस्टोर करवाएं, क्योंकि लैंडलाइन जिन जिन इलाकों में रेस्टोर किए गए हैं वही अब एक लाइफलाइन बन गई है। लैंडलाइन वो कि सिर्फ अब सरकारी दफ्तरों में ही ज्यादा होते हैं, आम लोगों के पास लैंडलाइन नहीं होते हैं, फिर भी जितना भी हो सके 2 हफ्तों से ज्यादा जिस तरह से लोग यहाँ बिल्कुल दुनिया से कट के रह गए, न ईमेल कर सके, न SMS कर सके, न WhatsApp का ये इस्तेमाल कर सकते। ईद भी ऐसे ही हुई, 15 अगस्त ही ऐसा गुजरा और उम्मीद थी कि शायद उसके बाद कदगनों में कमी आ जाएगी और आज ये उम्मीद थी शायद स्कूल खुल जाएंगे, नहीं हो सका। जिम्मेदारी तो हर एक की है, हम भी चाहते हैं बच्चे स्कूल जाएं, लेकिन सरकार का दायित्व है इसके लिए हालात भी साजगार बनाएं। श्रीनगर से कैमरामैन आमिर के साथ नजीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए। जब स्कूल खोलना ही था और ये मकसद था कि हालात सामान्य दिखे और बताया जाए, तो फिर संचार व्यवस्था को भी बहाल कर देना था ताकि स्कूल जो खुला है वो पूरी तरह से चालू होता दिखे और क्या पता उसी से कुछ बेहतर हो जाए। इस बीच ट्रंप और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई है और जो प्रेस रिलीज आई है उसमें खास बात इस तनाव से, इस कश्मीर से संबंधित ये है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि रीजन के यानी इलाके के कुछ नेता भारत विरोधी नारे लगा रहे हैं जिससे माहौल को बेहतर करने में सहायता नहीं मिल रही है। नाम तो नहीं लिया मगर
इशारे में समझा जा रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बारे में ऐसी बातें कही है। तो इस तरह से कश्मीर की कई जगहों से ये आती जाती रिपोर्ट के बीच हम ब्रेक लेना चाहेंगे, लेकिन ब्रेक लेने से पहले सूरत से किसी ने अपनी एम्ब्रॉयडरी मशीन फैक्ट्री का हिसाब दे दिया है कि 14 मशीनें हैं उनकी और बंद पड़ी हैं और काम करने वाले लोगों को काम नहीं मिल रहा है। तो दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं, कश्मीर भी महत्वपूर्ण है और अर्थव्यवस्था भी महत्वपूर्ण है। इस बीच एक सूचना यह भी है कि सरकारी नौकरियों से मैं त्रस्त हो गया हूं कि इनकी परीक्षाओं पर सरकार अपने ही जनता की परेशानी नहीं सुन रही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। ना तो कहीं टीचर का रिजल्ट आ रहा है, ना कहीं कहीं शिक्षकों का रिजल्ट आ रहा है यूपी और मध्य प्रदेश में। तो स्थिति बहुत भयावह है, इनको सब संभालना अब मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन देखिए कि जनता की क्या हालत हो गई है कि उनकी अपनी मांगें, अपने दिए हुए इम्तिहानों के रिजल्ट नहीं आ रहे, ये जनता की स्थिति हो गई। लेकिन उसी जनता से आप कश्मीर के बारे में पूछिए तो ऐसा लगता है कि सब के सब न्यूज एक्सपर्ट हो गए और इन्हें एक्सपर्ट बनाने में न्यूज चैनलों की काफी बड़ी भूमिका है। तो खैर, जैसा है वैसा आपने बनाया है, मैं सिर्फ बता रहा हूं, बाकी ब्रेक के बाद। अगस्त में हुई मॉनसून की बारिश ने जुलाई की कमी तो पूरी कर दी, लेकिन जिस तरह से ये बारिश हो रही है डराने वाला है। बहुत ही कम समय में कुछ जगहों पर बहुत ही ज्यादा बारिश हो रही है, जिससे उन इलाकों में फ्लैश फ्लड यानी अचानक बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में बीते 2-3 दिनों से यही हालत है और अगले 24 घंटे भी यही ये हालात बने रहेंगे। यहां सभी बड़ी नदियां और उनकी सहायक नदियां विकराल बनी हुई हैं और कई जगह तटबंध तोड़कर बह रही हैं। बारिश से जुड़ी घटनाओं में हिमाचल में कम से कम 25 और उत्तराखंड में कम से कम 32 लोगों की मौत हो चुकी है। घायलों की तादाद कहीं ज्यादा है और सैकड़ों करोड़ की संपत्ति का नुकसान हो चुका है। कई जगह मकान और गाड़ियां नदियों और भूस्खलन से आए मलबे में दब गए हैं। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा रोक दी गई है। मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं के 18वें जत्थे को भी फिलहाल रास्ते में रोक दिया गया है। हिमाचल में भी कई हाईवे भूस्खलन की वजह से जगह जगह बंद हो रहे हैं। कालका शिमला हेरिटेज ट्रेन को भी रद्द कर दिया गया है। कई जगहों पर आम लोगों और सैलानियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव के काम में सेना, वायुसेना और एनडीआरएफ के जवान काफी मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। जम्मू की तवी नदी में बचाव की ये तस्वीरें सोमवार को टीवी पर छाई रहीं। दोपहर 12 बजे नदी का पानी अचानक चढ़ा तो एक निर्माणाधीन पुल के पास चार लोग फंस गए। प्रशासन के आग्रह पर उन्हें निकालने के लिए वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर रवाना किए गए, लेकिन एक हेलीकॉप्टर से बचाव के लिए उतारी गई सीढ़ीनुमा रस्सी टूट गई। हेलीकॉप्टर दोबारा लौटा और इस बार वायुसेना के गरुड़ कमांडो ने नीचे उतरकर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। हमारे को 12 बजे खबर आई कि रेस्क्यू करना है फोर्ट ब्रिज के पास। डिविजनल कमिश्नर ने AOC जम्मू को बताया, इमीडिएट गो अहेड दिया गया। 1229 हेलीकॉप्टर वॉज हेयर। इट वॉज अ वेरी वेरी डेयर डेविल रेस्क्यू बाय बोथ द टीम ऑफ वेरी गुड कोऑर्डिनेशन हेलीकॉप्टर और गरुड़ कमांडो से। अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो सेकेंड टाइम नीचे गया वॉलंटियर करके, जिसको स्पेशलाइज ट्रेनिंग है उसको, और इसके लिए वो नीचे गया, दोनों को हुक कर ऊपर लाया और दोनों जाने बचाई। टोटल 4 रेस्क्यू वर डन इन अ शॉर्ट स्पैन एंड ऑपरेशन बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हुआ। डिफिकल्ट काफी ज्यादा था एक्चुअली, पानी का बहाव तो ज्यादा था ही, ऊपर से जो हमारा हेली है वो 20 टन की सेट के साथ हवा फेंकता है, तो उस हवा के चक्कर में अपने आप को बैलेंस करना भी बहुत मुश्किल होता है। उस हवा में अपने आप को बैलेंस करना, उसके बाद उनको डरे हुए जो मछुआरे थे उनको हार्नेस पहनाने में बड़ी प्रॉब्लम आई, बट जो हमारा ट्रेनिंग शेड्यूल है, जो हमने सिखलाई हासिल कर रखी है, उसके थ्रू हमारे लिए ये ज्यादा इतना टफ नहीं हुआ और हमने इजीली कर दिया। सभी पहाड़ी राज्यों में नदियां इन दिनों उफान पर हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में हालात ज्यादा खराब हैं। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 24 से ज्यादा लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। यहां हमीरपुर में नदी पार करते वक्त पानी के बहाव में 3 टीचर और 1 छात्र बह गए, लेकिन स्थानीय लोगों की सतर्कता से इन्हें कुछ ही दूरी पर सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया।
हिमाचल के ही मनाली के धुंधी इलाके में नदी का पानी अचानक बढ़ने से 25 लोग नदी के दूसरे सिरे पर फंस गए। बचाव टीम ने रस्सियों के सहारे सभी को सुरक्षित निकाला। उधर कुल्लू में व्यास नदी उफान पर है। यहाँ पतली कुहल के पास नदी किनारे भारी भूस्खलन हुआ। करीब की पहाड़ी से चट्टाने धसक कर नदी में आ गिरी। भारी बारिश की वजह से भुंतर नदी में भी बाढ़ आई हुई है। किन्नौर में भी बरसात की वजह से कई जगह भूस्खलन हुआ। यहाँ चट्टानों का मलबा सड़कों पर आने से सड़कें बंद करनी पड़ी। मनाली और कुल्लू के बीच नेशनल हाईवे 3 पर भी कई जगह भूस्खलन की वजह से सड़कें कट गई हैं। एहतियातन भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। सतलुज नदी भी उफान पर है। शिमला जिले के चाबा में सतलुज पर बना एक पुल पानी के बहाव से टूट गया, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क आसपास के इलाकों से कट गया है। हिमाचल प्रदेश के ही सोलन जिले में कुमारहट्टी और धर्मपुर में भूस्खलन की वजह से शिमला कालका हेरिटेज लाइन पर ट्रेनों की आवाजाही रद्द करनी पड़ी। उधर लाहौल स्पीति में कई पर्यटक और मजदूर भारी बारिश की वजह से फंस गए। स्पीति और चंद्रताल में 150 पर्यटक फंसे, जबकि 200 पर्यटक लाहौल में फंसे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों की मेहनत से अधिकतर लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचा दिया गया। लाहौल और स्पीति में इस मौसम की पहली बर्फबारी हो गई है। 11 साल बाद इस मौसम में वहां बर्फ देखने को मिली। उधर उत्तराखंड में भी बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में अब तक 32 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ उत्तरकाशी के मोरी ब्लॉक में, जहां यमुना की सहायक टोंस और पब्बर नदियां विकराल बनी हुई हैं। हिमाचल की सीमा से लगकर बहती टोंस नदी के इस रौद्र रूप में 20 से ज्यादा मकान अपने में समा लिए। नदी किनारे रह रहे 17 ग्रामीण लापता हैं। आराकोट का एक इंटर कॉलेज भी नदी की भेंट चढ़ गया। मकान में दब गए मलबे के नीचे। यहाँ पर एक गौशाला है, वहाँ से सारी बह गई, एक वहाँ पड़ी हुई आप देख सकते हैं। 3 गाय मैंने ऊपर बांधी बारिश की वजह से कि बच जाएंगी, वो सबसे पहले वहाँ दब गई, आप देख सकते हैं जाके। आप चलिए यहाँ नीचे, चलिए आप मकान देखिए, अंदर नहीं जा सकते। हमारे पास तो पहनने के लिए भी कपड़े नहीं है, खाने के लिए नहीं, कुछ नहीं है। रहने हम रोड में, अगर बारिश होगी तो हम कहाँ जाए। मोरी ब्लॉक में कम से कम 4 गांवों में भूस्खलन से नुकसान हुआ है। मौसम खुला तो बचाव के काम में तेजी लाई गई। कई घायलों को हेलीकॉप्टरों के जरिए देहरादून पहुंचाया गया। अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उस हिसाब से 10 डेड बॉडीज हमारी जो रिकवर हुई हैं, 3 टिकोची में, 4 माकुड़ी में और 3 आराकोट में। हमारा बेस स्टेशन आज यहाँ बन गया है आराकोट में, और यहीं से हमारे एयर ऑपरेशन भी होंगे। 2 से 3 चॉपर्स हम इसमें काम में लेने वाले हैं। साथ ही इसके अलावा राशन ड्रॉप यहाँ पे होगा फर्स्टली, एंड फिर अंदर के अफेक्टेड एरियाज में होगा। जो 3 वैली हमारी अफेक्टेड दिख रही है, उसमें एक आपका माकुड़ी साइड की तरफ है, एक आपका चिवा बलावट की तरफ हम लोग एक टीम भेजने वाले हैं SDRF की। एक टीम हमारी ऑलरेडी माकुड़ी के लिए ड्रॉप हो चुकी है। तो इस तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि जल्दी से जल्दी वहाँ पे SDRF की टीम्स भेजी जाएँ। साथ ही चूँकि रोड कनेक्टिविटी हमारी कई जगह पर वॉश आउट है, तो उन जगहों पर हम जल्दी से जल्दी उधर श्रीनगर के करीब बद्रीनाथ हाईवे पर जमीन धंसने से गाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा। लोग यहां कई घंटे तक जाम में फंसे रहे। टिहरी के प्रताप नगर में भी जलकुर नदी के बहाव में एक पुल बह गया, जिससे कई गांवों का संपर्क मुख्य मार्ग से कट गया। पिथौरागढ़ में भारी बारिश और भूस्खलन से मानसरोवर जाने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत आ रही है। श्रद्धालुओं की 18वीं टीम को फिलहाल रोक दिया गया है। SDRF के जवान उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में जुटे रहे। उत्तराखंड में करीब 140 मार्गों पर बारिश और भूस्खलन से आवाजाही प्रभावित हुई है। 4 धाम की यात्रा फिलहाल रोक दी गई है। गंगा, यमुना और काली नदियों की सभी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और अगले 24 घंटे भी भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड और हिमाचल में हो रही भारी बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। यमुना में बाढ़ को देखते हुए हथिनीकुंड बैराज से 8 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी रविवार को छोड़ा गया। इस पानी ने सबसे पहले यमुना नगर में ही तबाही मचाई। यहां के कई गांवों में पानी घुस गया, कई घर मंदिर पानी में डूब गए।
सड़कें भी तालाब में बदली नजर आई। करनाल के भी यमुना तट के कई इलाकों में गांव में पानी घुस गया। हथिनी कुंड बैराज से छोड़े गए पानी की वजह से दिल्ली में यमुना नदी खतरे का स्तर पार कर गई है। यहां नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कह दिया गया है। उधर भाखड़ा नांगल बांध से छोड़े गए पानी की वजह से पंजाब के लुधियाना में सतलुज नदी उफान पर है। यहां आसपास के गांव में नदी का पानी घुस गया है। इलाके में अलर्ट जारी किया गया है। नदियों में उफान की वजह से पंजाब के रोपड़, नवांशहर, जालंधर और अंबाला में भी तटीय इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त है। लोगों को सुरक्षित इलाकों में भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।